इमली, आज तो लेकर आई हूँ मैं आपके लिए सॉफ्ट कॉटन वाइप्स, जो रहेंगी आपकी स्किन पर सुपर सॉफ्ट और रहेंगी ये जेंटल भी। वैसे हम तो चाहते हैं कि आपकी कहानी में भी हो सब कुछ जेंटल, लेकिन देखिए यहाँ तो है ट्विस्ट की बौछार। तो क्या कुछ हो रहा है इमली की कहानी में, आज लेकर चलते हैं आपको फटाफट इमली के पास। मिल गए इमली अथर्व के दिल, शुरू हुई इमली की मुश्किल। छोटा इमली कैरी का साथ, स्टेपलेस के सीरियल इमली में कैरी ने जोड़ दिया है इमली अथर्व का रिश्ता। जरा देखिए कैसे आज इमली और अथर्व फिर से एक दूसरे से टकरा गए और दोनों करीब आ गए। बहुत ज्यादा शॉकिंग है क्योंकि अथर्व एक तो जिंदा है, हमारे तो शॉक ले लेके हार्ट अटैक आ गया। अथर्व जिंदा है ये नहीं पता था, ये शॉक। फिर उसकी बेटी है, हमें नहीं पता था, वो एक शॉक। फिर तीसरा शॉक है वो इमली को गिरफ्तार करवा रहा है। चीनी वाला भी तो शॉक है। हाँ, चीनी वाला भी शॉक है कि चीनी उसकी माँ है ये हमें लग रहा है, पर एक्चुअली नहीं है। हाँ, वो तो अथर्व सबको यही बता रहा है कि चीनी के साथ उसने फैमिली बसा ली है, उन दोनों की बेटी है कैरी। झूठ बोल रहा है, तो जो कि सबके लिए बहुत बड़ा शॉक है कि चीनी कहाँ से आ गई। Exactly. अभी तो हम सब बौखला हुए, पूरा राणा परिवार ऐसे, चीनी कैरी कौन से शॉक पे फोकस करे समझ नहीं आ रहा। हम लोग तो सर दर्द कर रहा बिना किसी के, रो रहे हम। असल में कैरी लापता हो गई थी, जिसे इमली ढूंढकर अपने घर ले आई और उसे अपने हाथ से खाना खिला रही है, उस पर अपना प्यार लुटा रही है। कैरी बार बार मुझे रिक्वेस्ट करती है कि प्रिंसेस मम्मा आप जाके पापा को रोक लो, पापा को बोलो कि अभी नहीं जाना है, क्योंकि उस वो एक्चुअली अपनी मम्मी को ढूंढने आए हैं इस घर में, जो किसी को भी उसने नहीं बताया है, वो छुपा के रखा है ये बात। तो वो मुझे खींच कर ले जा रही होती है और वहाँ पे मेरा और अथर्व का एक मोमेंट बनता है। तो कैरी बहुत क्यूटली बोलती है कि ये प्रिंस और क्या बोलते हैं, प्रिंस और प्रिंसेस, प्रिंस ने प्रिंसेस को गिरने से बचा लिया, ऐसे तो स्टोरी बुक्स में मैंने पढ़ा था। तो एक क्यूट सा मोमेंट बनता है, बट फिर जो सच्चाई है वो बाहर आ जाती है, तो हम दोनों भी ऑकवर्ड हो जाते हैं। हाँ, मतलब वो एकदम प्रॉपर फिल्मी मोमेंट तो हमारे डायरेक्टर ने बना ही दिया के बीच में बच्ची है, बच्ची को पता ही नहीं है उसकी मम्मी है, लेकिन फिर भी एक तरफ मम्मी का हाथ पकड़ा और एक तरफ पापा का हाथ पकड़ा है, तो बहुत ही टची मोमेंट था। मेरे तो बिना ग्लिसरीन के आंसू निकल गए उस शॉट देखकर। इमली ने तो नेक काम किया, लेकिन अथर्व ने तो इमली पर कैरी को किडनैप करने का इल्जाम लगाया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन कैरी उसने अपनी प्रिंसेस परी का हाथ थाम लिया। सच बताने की कोशिश करने लगी, लेकिन अथर्व ने ऐसा होने नहीं दिया। कैरी उसे जाने दो। ये प्रिंसेस मामा है कैरी की, और कैरी बहुत डरी हुई है क्योंकि उसकी प्रिंसेस मामा को पुलिस पकड़ के ले जा रही है। छोटा बच्चा है, पहली बार पुलिस देखी होगी, डर जाता है ना। बताओ प्रिंसेस मम्मा जी, ये कंप्लेंट अथर्व जी ने किया है, अथर्व और चीनी ने मिलके, क्योंकि उनको लगता है कि कैरी को किडनैप करके मैं लेकर आई हूँ दिल्ली हमारे घर, जो कि सच नहीं है। बट उसने सच का पता नहीं किया, वो सीधा घर आ गए अपनी बेटी को लेने और पुलिस बुला लिया ताकि अपने बेटी को बचा ले और इमली को गिरफ्तार करके ले जाए पुलिस। बदला
बदला लेने के बदला लिए। लेने के लिए। अब देखना होगा कि जब अथर्व को सच पता चलेगा तो वो क्या इमली को अपनी जिंदगी में वापस आने देगा। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।